माता वंदना की श्रद्धांजलि साथ में सदगुरु कबीर साहेब की ये साखियाँ हैं वह प्रसिद्ध है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसी झूल, रोए कबीरा दाफिया मोहीरा जरे अमोल। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, जो समुद्र है, जल राशि है, जो पानी अथाह है, आकाश और जो जल है समुद्र का, एक में मिल जाता है हजारों किलोमीटर दूर, जो दिखाई नहीं देता, अपार गहरा है जिसका कोई सीमा नहीं, जल राशि अत्यंत शीतल है। लोग कहते हैं कि कबीर की खोपड़ी उल्टी है, उल्टी बात कहते हैं, सीधी नहीं। लेकिन विवेक विचार से देखा जाए कि जो हमारे मस्तिष्क है, दिल है, दिमाग है, सोचना है, बोलना है, वो सही नहीं। सदगुरु कबीर साहेब के जो मस्तिष्क उपज है वो सही है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आगी जो लागी समुद्र में, समुद्र पानी जल है, भला कैसे बताए आग कैसे लगे, संभावना ही नहीं। लेकिन उल्टवासी रूप में सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आग ही जो लागे समुद्र में, समुद्र है क्या, अनंत ब्रह्मांड विषय है संसार जिसका कोई सीमा नहीं। उदाहरण के लिए बातों के लिए समुद्र को दिया जाता है, बताया जाता है, ये संसार है, आग लगी है, जल रूपी में प्रत्यक्ष ये संसार है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि आग ही जो लागे समुद्र में, ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, पदार्थ है, परिवर्तन हो रहा है। निकट का वस्तु गतिशील है, स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है भौतिक चीजों में, मिट्टी है, पानी है, आग, हवा, अपने आप में है। लेकिन पंचभौतिक से जो हमारा शरीर की रचना हुई है, मिट्टी से, पानी से, आग से, हवा से, चार तत्व से मिलकर हमारा शरीर जो मिला हुआ है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रसि यह अधम शरीरा, प्रगट तनु तब आगे सोवा, जीव नित कही लागे तुम रोवा। पंच भूत ये शरीर मिला हुआ है जो हमारा सभी मनुष्य का, प्राणी मात्र का, काल रूपी आग लगी है। जैसे कि हम सब्जी पकाते हैं कढ़ाई में, कोई भी सब्जी हो करछू से चलाते हैं, आग में सेकते हैं, पलट पलट कर, उलट पलट कर, ठीक इसी प्रकार से संसार का जो गति है, परिवर्तनशील है, इस शरीर ठंडी में भी आदमी कितने लोग संसार से चले जाते हैं, अपने को बचा नहीं पाते हैं, और गर्मी में भी छह ऋतु है, निरंतर परिवर्तन है, दो दो महीना में एक कछुली रूपी जैसे सब्जी को हम भूनते हैं, सेंकते हैं, लटे हैं, ठीक इसी प्रकार से छह ऋतु रूपी में ठंडी है, गर्मी है, वर्षा है, इस सब में जो हमारे शरीर निरंतर परिवर्तन हो रहा है।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आग ही जो लागे समुद्र में, ये समुद्र में आग लगी है, समुद्र यथा संसार में जो हमारा शरीर निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हमारा जो जीवन है जितने उम्र में चाहे 50 हो या 60 हो 70 हो, वो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्थिर नहीं है हमारा जो ये शरीर है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि टूटी टूटी खसे झोल, इस संसार रूपी समुद्र में तो आग लग चुकी है और लगी है, और जैसे कि कंदा है आग में लगने से टूट टूट कर राख हो रहा है, ठीक इसी रूपी से ये पंच भौतिक मिट्टी पानी आग हवा से जो हमारा शरीर मिला है कंदा रूपी में, जैसे आग लगने से राख हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जड़ पंच भौतिक शरीर परित्याग कर देने से कोई आग में झोंक देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं या जमीन में छोड़ देते हैं, आग में जल का खाक हो जाता है, पानी में मिलकर गल जाता है, और खाली जगह में छोड़ देने से पक्षी खाकर किट मिट जहाँ का तहाँ मिल जाता है। जो हमारा पंच भौतिक शरीर में वो मिट्टी में मिल जाता है, और जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, और जो चेतना आत्मा जीव अविनाशी है वो अपने आप में स्थिर है। हमारी जो इच्छा जहाँ है, वासना है, कहीं पाने की अभिलाषा है, मनोकामना है, वहाँ जाता है। यदि मैं चाहूँ कि इस आश्रम में रह कर कहीं उत्तराधिकारी बनो, महंत बनो, पाने की अभिलाषा है, और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई और मैं नहीं पाया और शरीर छूट गया, तो फिर आगे जन्म लेना पड़ेगा और भटकना पड़ेगा। और यदि इसी आश्रम रह कर अपनी इच्छा को समा करके इच्छा रहित हो जाए और साधना करें तो कल्याण और साधना हो सकता है। चाहे गृहस्थी में रहकर या व्रती में रहकर, किसी भी जहाँ भी रहे, यदि मनोकामना को इच्छा पर त्याग कर दें तो जीवन में सुख और शांति है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आग ही जो लागी समुद्र में टूटी टूटी खसे झोल, जिस प्रकार से आग में कंदा को डाल दें जना देने से जल का खाक हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है वो स्थायी रूप में नहीं है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रोए कबीरा दाफ्रिया मोहिरा जरे अमोल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रोए कबीरा दाफिया, जो अज्ञानी जीव है, मोही जीव है, वही रोता है। जैसे कि माँ की गोद में शिशु है, जन्म लेता है, गोद में रहता है और काल ले जाता है, रहता नहीं, और वही बच्चे के लिए हम रोते हैं, यही मोही हैं। ठीक इसी प्रकार से हम रोएं चाहे न रोएं, जो गोद में बच्चा है, जो जाना था, जितना दिन प्रारब्ध था वो जाना तो निश्चित है। मोह हीरा जरे अमोल, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानी जीव रोता है कि जो बच्चा है गोद से चला गया। संसार में प्राय देखा जाता है कि कहीं माँ की गोद में बच्चा रहता है, माँ प्रथम चली जाती है और बच्चा रहता है, और माँ है बच्चा चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिसका जितना दिन का प्रारंभ है, जीवन है, वो समाप्त होना ही है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम निर्मोता जीवन यापन करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आग ही जो लागी समुद्र में टूटी टूटी खसे झोल, रोए कबीरा दाफिया मोह हीरा जरे अमोल। जैसे कि लौकी है, उस लौकी में मिट्टी से कपड़ा से लपेट दीजिए और मिट्टी वजन है और पानी में छोड़ दीजिए तो लौकी डूब जाएगा, उठेगा नहीं। यदि वही लौकी मिट्टी से धुल कर कपड़ा से अलग होकर लौकी ऊपर उठ जाता है, ठीक इस प्रकार से जो हमारे जो संसार के पाने की अभिलाषा है, वासना है,
संसार के मोह के ग्रस्त में डूबे हुए हैं तो हम संसार रूप में डूबना ही है। हमें कल्याण का साधना प्राप्त नहीं मिल सकते हैं। यदि वही लौकी से मिट्टी धुल जाए, लौकी उपट उठ जाता है, ठीक इसी प्रकार हम संसार में रहकर हमारी इच्छा को वासना को शांत करें, अपने में स्वरूप में स्थिर हुए तो संसार से ऊपर से भव सागर से तर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आग जो लागी समुद्र में टूटी टूटी खसे झोल, रोए कबीरा दापिया मो हीरा जरे अमोल। तो माता वंदना जो संध्या जनी के हम उसी शब्द में कुछ देर मैं किया, बस इन्हीं शब्दों से बोले सदगुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्यवर साहिब जी, वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन सुखद एवं मंगलमय एवं शांति प्रिय हो। नया वर्ष न जाने हम सब ने कितने नए वर्ष देख चुके, आज फिर से एक नया वर्ष आ गया। न जाने हमने कितने नए वर्ष के वर्ष गिनते रह गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 नए वर्ष गिनते गिनते निकल गए। लेकिन क्या जीवन में भी नयापन आया है? नया कुछ है या नहीं? वही दिन है, नया कहाँ हुआ? लोग कहते हैं नए मकान, वही पुराने लोहे को गला करके रूपांतरित करके छड़ बनाया जाता है, वही पुराना लोहा है। वही मिट्टी है, उसको रूपांतरित कर दिया जाता है, पुराना मिट्टी है। वही रेत है, रूपांतरित होने के बाद में छन करके नदी से आता है, नया बना दी, नया कह देते हैं। नया तो है नहीं, नया कुछ भी नहीं है। जो हम कपड़ा पहनते हैं, लोग कहते हैं नया कपड़ा, नया नहीं है कपड़ा। कब की रुई गोदाम में पड़ा हुआ था, वह कपड़ा, वह रुई से बना हुआ कपड़ा है, पुराना रुई है। नया कहाँ हुआ फिर? नया कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो भी चीज़ देखने में आ रही है वो नया नहीं हो सकता है, पुराना हो सकता है, पुराना ही है। नया है एक अद्भुत चीज़ है नया, जिसे लोग नए नहीं जानते हैं। और उस नया चीज को नए नए ढंग से अपने जीवन को नएते हैं, अपने जीवन को नए करते हैं, अपने जीवन का नवनिर्माण करते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि नया क्या चीज़ है। नया है अद्भुत चीज़ है, वो है नया, आपके जीने की कला। आज तक हमने शिकायत भरी जिंदगी जी है, आज तक हमने तेरे मेरी वाली जिंदगी जी है, आज तक हमने शिकवा और शिकायत, डर और भय रहित भय भरी जिंदगी जिए हैं, आज से हम बादशाहत की जिंदगी जीते हैं, तो आज ही हमारा दिन नया हो गया। आज तक हम मन में द्वेष का भाव रखते थे, आज तक हम मन में क्रोध का भाव रखते थे, लोभ का भाव रखते थे, वैर का भाव रखते थे, इन सारे भावों को हटा करके मन में अब एक शांति का स्रोत जगाते हैं, मन में प्रेम का उत्साह जगाते हैं, तो आज की आज ही दिन हमारे लिए नया वर्ष हो सकता है। और ये चीज जीवन में नहीं हो रहा है तो ना जाने कितने नए वर्ष बीत गए और कितने नए वर्ष बीत जाएंगे। हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, दिन निकलता चला जाएगा, शाम ढलती चली जाएगी, जिंदगी यूं ही कटती रह जाएगी, हम जहाँ के तहाँ पड़े रह जाएंगे।
हमारी उम्र घटती चली जाएगी, शरीर की अवस्था बढ़ती चली जाएगी, शरीर जर्जर होता चला जाएगा, मन वही उफान शैतान में लगा रहेगा, वही पुरानी चीज़ों में, वही तूतुमय में, वही राग में, वही द्वेष में, वही तेरे मेरे में, पुरानी चीज़ों में लगा रहेगा। समाज में, परिवार में हर चीज़ का विकास हो, धन का, द्रव्य का, परिवार का, गाड़ी, धन दौलत, सब चीज़ का विकास हो, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास है, महत्वपूर्ण वह विकास है मन का विकास। मन में नया विचार आना ही सबसे बड़ा नया हो सकता है। इससे नया मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई चीज़ नया नहीं है, सारे चीज़ पुराने हैं, सारे चीज़ जर्जर होने वाले हैं, सारे चीज़ टूटने और फूटने वाले हैं, सारे चीज़ सड़ने और गलने वाले हैं। सिर्फ एक नया विचार, एक नए क्रांति जीवन में, एक नए लहर जीवन में, मुझे अब बादशाहत की ज़िंदगी जीना है, मुझे प्रेम और उत्साह की ज़िंदगी जीना है, मुझे डर और भय रहित ज़िंदगी जीना है, मुझे डर और भय वाली ज़िंदगी नहीं जीना है। और मेरे जीवन में ऐसा कोई भी काम ना हो जिसकी वजह से मैं डर करके जीऊँ, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी खोट ना हो जिसकी वजह से मैं अपने ही परिवार वालों के साथ दूरी बना लूँ मैं, और परिवार वाले मेरे से दूरी बना ले। यदि आज ये जीवन में हम लागू कर लेते हैं अपने लिए, तो शायद हमारे जीवन में नयापन आ जाएगा। हर व्यक्ति में दोष है, हर व्यक्ति में दोष है, लेकिन हर व्यक्ति में अच्छाई भी है, उनकी अच्छाई को देखें। हमारे जीवन में इतने दोष हैं, इतना दोष है कि यदि हम अपने आप को देखते हैं तो बाहरी लोगों को देखने की फुर्सत ही नहीं रह जाती है। हम रूपांतरण करें, अपने जीवन को बदले, अपने जीने का तरीका बदले, अपने देखने का अंदाज बदले, अपने बोलने का अंदाज बदले, अपने सोचने का अंदाज बदले, एक नए लहर पैदा करें जीवन में अपने। ये एक ऐसा लहर है जो कि हर व्यक्ति बीज बो सकता है इस लहर का, हर व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में जोश भर सकता है, हर व्यक्ति के पास वो ताकत, वो शौर्य है जिसके बदौलत आदमी बादशाहत की ज़िंदगी जी सकता है। हर चीज़ पुराने हो सकते हैं लेकिन विचार कभी पुराने नहीं होते हैं। आज मैंने सोचा आज अच्छा जीवन का शुरुआत करूँगा, अच्छा जीवन का शुरुआत करता हूँ, कल फिर सोचता हूँ मुझे एक नई ज़िंदगी की ओर चलना है, मुझे एक नए यात्रा तय करना है, मुझे एक नए सफ़र की ओर चलना है, और मैं अपने सफ़र की यात्रा बढ़ाता चलता जाता हूँ। जीवन में नया हो सकता है। हमने ना जाने कितने वर्ष बीत चुके, पुराने हो गए सब, ना जाने कितने कैलेंडर बदलते चले गए, ना जाने कितने कपड़े बदलते चले गए, लेकिन क्या आज तक हमने पुराने विचार को उखाड़ के फेंकने की हिम्मत रखा? क्या हमने ये सोचे कि मुझे अब बादशाहत की जीवन जीना है? बहुत लोग आज के दिन नए वर्ष में बहुत क्या कम से कम 50% लोग 50% लोग नए वर्ष में संकल्प लेते हैं कि अब मुझे नए वर्ष में मुझे नए जीवन की शुरुआत करना है। 50% लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत मैंने भी किया है, और मैं इस शुरुआत में असफल रहा हूं अधिकतम बार, लेकिन सफल भी हुआ हूं मैं। और मेरे जैसे ना जाने कितने 50% लोग प्रयास करते हैं कि आज से मैं नई जिंदगी का शुरुआत करता हूं, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं तेज नहीं बोलूंगा, आज मैं प्रेम से बात करूंगा, आज किसी के तरफ भी मुझे आवाज़ नहीं उठाना है। ना जाने कितने हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों ने संकल्प लिया होगा आज के दिन, ना जाने कितने करोड़ों लाखों लोगों ने संकल्प लिया होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि संकल्प 1 जनवरी को ले रहे हैं, और 1 जनवरी को संकल्प लेते हैं कि मुझे अब जीवन भर मुझे एक नए जीवन की शुरुआत कर देना है, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि वो संकल्प 2 जनवरी का मुंह भी नहीं देख पाता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे जीवन का, सबसे बड़े दुर्भाग्य है।
एक जनवरी को संकल्प लेते हैं कि हमको जीवन को गढ़ना है, जीवन को छीलना है, जीवन को संवारना है, जीवन को मांझना है, जीवन को परमार्जित करते चले जाना है, जीवन को मुझे निचले स्तर से ऊपर उठाते चले जाना है। बहुत सारे संकल्प लेते हैं और मुझे प्रेम और बादशाहत की ज़िंदगी जीना है। बहुत सारे संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने वालों में से कोई 1% लोग सफल हो जाते हैं, वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। वही लोग बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद जैसे महापुरुष बनते हैं। बाकी तो हम जैसे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों में उलझते और पुलझते रह जाते हैं। हम अपने ही जीवन को नहीं छिल पाते हैं, अपने ही जीवन को नहीं संवार पाते हैं, बस दुख भरी ज़िंदगी जीते हैं। इसी का नाम है दुख भरी ज़िंदगी। हम जीवन को संवारे, आज ये अवसर मिला है। सदगुरु कहते हैं, यहाँ इसम्मल कर ले आगे विषयी बाट। आज अवसर मिला है, आज सम्मल इकट्ठा कर ले। कौन सी सम्मल? कोई आदमी रास्ता में चलता है, कहीं लंबी यात्रा हो तो सबसे पहले अपने भोजन की तैयारी करता है। कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, पूरा इस्टीमेट बना लेता है, सम्मल लेकर के चलता है। लेकिन क्या हमें अपने जीवन के लिए सम्मल बनाया? क्या हमने अपने जीवन को एक सुंदर रूप ढालने के लिए, एक सुंदर व्यवस्थित ढंग देने के लिए, सुंदर आकार देने के लिए क्या हमने सम्मल किया है? वो कौन सा सम्मल है? ये खाने पीने का संबल नहीं, ये धन द्रव्य का संबल नहीं। ये संबल तो सब लोग करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, आश्रमवासी भी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं। ये संबल को धन इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, साधु आश्रम बनाते हैं, परिवार वाले अपने परिवार के लिए सुख देखते हैं, साधु संत अपने लिए नहीं देखते हैं, समाज के लिए देखते हैं। इतना अंतर है। अगर ये कहा जाता है समाज के, कहीं भी समाज में साधु अगर अच्छे साधु है, कहा जाता है तुमको इस आश्रम में नहीं रहना है, विवाद नहीं करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है भैया मैं चला जाऊंगा, विवाद नहीं करते हैं। इस साधु और गृहस्थ में इतना अंतर होता है। लेकिन गृहस्थ में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो न लड़ते हैं न झगड़ते हैं, प्रेम से जीते हैं। बहुत से गृहस्थों को मैंने देखा है, कभी किसी के साथ टकराहट नहीं करते हैं। मैंने बहुत से गृहस्थों को देखे हैं जो कभी आपस में भाई और भाई लड़ते नहीं देखा, कभी देरान और जेठान को लड़ते नहीं देखा। ऐसे लोग जीवन को परिमार्जित करते हैं, ऐसे लोग मानव के सृष्टि में गिनती में आते हैं। बाकी तो सब बदतर की ज़िंदगी जीते हैं। मैंने कहा कि 50% लोगों में से, संकल्प करने वालों में से 49% लोग विफल हो जाते हैं, उस संकल्प का दूसरे दिन का मुख नहीं देख पाते हैं। एक आदमी 1 जनवरी को संकल्प लेता है कि आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। एक गुटखा खाने वाला आदमी 4 घंटा बाद गुटखा शुरू कर देता है, वो दिन भर भी नहीं बीत पाता है आदमी का, गुटखा शुरू कर देता है, उनका संकल्प खत्म हो जाता है। एक आदमी सोचता है घर में मैं आज किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा, जैसे ही घर में जाता है बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जीवन को छीलना और गढ़ना, संवारना ये बहुत आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है। जितना आसान है उतना ही कठिन है। वैसे ही सद्गुरु कबीर की बातें सबके भेजे में पहुँचना, सबके दिमाग में पहुँचना उतना ही आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है। आज पूरे भारतवर्ष में जितनी कबीर की वाणी गूंजती है, जितने प्रवक्ता हैं जो सद्गुरु कबीर के वाणियों को लेकर के गुणगान गाते हैं, और रामायण वाचक हो, कथा वाचक हो, कहीं ना कहीं सद्गुरु कबीर के वाणी को अपनी बात रखते हैं। इसलिए मैं कहा सद्गुरु कबीर के बातें जितनी ही सरल है उतना ही कठिन भी है, उतना ही कठिन भी है। कठिन क्यों है? सद्गुरु कबीर का मार्ग एकला मार्ग है, सद्गुरु कबीर का मार्ग मोक्ष मार्ग है, सद्गुरु कबीर का मार्ग झंझट और उलझन से हटा हुआ मार्ग है। और सद्गुरु कबीर का मार्ग सबसे अच्छी बात यह है कि कर्म कांड और पाखंड से हट करके मार्ग है। आज पूरे भारत में कर्मकांडी बढ़ते चले गए, आज पूरे भारत में गुरुओं की संख्या बढ़ती चली गई, और आज हर जगह बिजनेस लगा हुआ है, हर जगह धार्मिक बाजार चल रहा है। धार्मिक बिजनेस सबसे ज़्यादा बदमाशी, मैं अपनी बात
शुरुआत दूसरी से किया था, लेकिन धर्म की बात आई तो मैं कहूँ सबसे ज़्यादा बदमाशी आज धार्मिकों में चलता है। धर्म के नाम पर ना जाने कितने खून बहा दिए जाते हैं, धर्म के नाम पर ना जाने कितने लूटे जाते हैं, कितने खसोट किए जाते हैं, धर्म के नाम पर सब चलता है। एक कथा वाचक यहाँ बैठ करके कहते हैं, एक व्यक्ति ने एक घड़ा में भोजन बनाया, एक घड़ा का भोजन 50,000 लोगों को पूर गया, उसके बाद भी बच गया, सब लोग आराम से ताली बजाते हैं। इसे कहते हैं अंधी भीड़। और ये होता है कथा में, मैंने सुना है, ये धार्मिक झूठ है। ये धार्मिक झूठ से जीवन में बदलाव नहीं होता है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते हैं धार्मिकता के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर लड़ते हैं, बिजनेस के नाम पर नहीं लड़ते हैं। एक ही दुकान पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाते हैं, लेकिन एक ही जो धर्म की जगह है जहां मन की शांति की बात होती है, जहां अध्यात्म की बात होती है, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह नहीं जा सकते। मंदिर में हिंदू मुस्लिम एक जगह नहीं जा सकते, या तो हिंदू बस जाएंगे मंदिर में, लेकिन मुस्लिम नहीं जा सकते। लेकिन जहां मस्जिद है वहां हिंदू नहीं जा सकते। ये धार्मिक लड़ाई है। धर्म के नाम पर आज से 500 वर्ष पूर्व न जाने कितने खून बहा दिए जाते थे। कांट मार कांट चलता था हिंदू मुस्लिमों में, ईसाइयों में, खून की गंगा की नदी बहती थी। आज धार्मिक उसे कहते हैं जो 4 घंटा मंदिर में पूजा कर ले, लंबा चोआ चंदन लगा ले, लंबे कंठी पहन ले, सफ़ेद वस्त्र धारण कर ले, वो धार्मिक नहीं। मैं धार्मिक उनको नहीं कहता हूँ। मैं तीर्थ यात्रा कर ले वो धार्मिक नहीं, मंदिर में पूजा कर ले वो धार्मिक नहीं, गांजा का दम लगाते हैं धार्मिक कहलाते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन मन में छल का भाव रखते हैं क्या धार्मिक हो सकते हैं? मन में द्वेष का भाव रखते हैं क्या धार्मिक हो सकते हैं? आज बड़े बड़े मंदिर में, मस्जिदों में बड़े बड़े पुजारी बैठे हुए हैं, जहां ना जाने पैसा के लिए एक व्यापार चल चुका है। हमारे गुरुदेव सदगुरु अविलास साहेब जी कहा करते थे, जिस आदमी को कुछ नहीं आता हो वो एक मंदिर, एक पत्थर का मूर्ति बना ले और मंदिर बना ले, उनका बिजनेस चल पड़ेगा। आज भारत एक ऐसा देश है जहां ना जाने कितने लोग इलाज की वजह से मर जाते हैं, कितने लोग अनपढ़ हो जाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, भारत में जितनी जनसंख्या में आपके भारत देश में मंदिर होंगे, उतने आपके भारत में ना ही हॉस्पिटल है, ना ही उतना स्कूल है, जितने मंदिर होंगे। सबसे बड़े आय का स्रोत धार्मिकों के लिए। सदगुरु कबीर इन बातों का खंडन करते हैं, और सदगुरु कबीर ने कोई जगह आश्रम नहीं बनाया, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा अपने अपने सिद्धांत को साफ मानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ उन बातों पर आप मत जाइए, आप इन बातों को तौलिए, आप इन बातों को संवारिए, सोचिए कि सही क्या है, हकीकत क्या चीज़ है। हम लोगों ने भी, आप लोग दिए उस आश्रम में रहते हैं, लेकिन समाज के लिए जो करते हैं और जो नहीं करते हैं, साधु बन करके साधु का जीवन नहीं जी रहे हैं, साधु बन करके धन के प्रति लोभ है, काम इच्छा नहीं रोक पा रहे हैं, क्रोध की भावनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब साधु नहीं हो सकते। वो समाज के लिए न्यौछावर हो जाना। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि तुम समाज की सेवा करना चाहते हो तो शादी मत कराना, तब समाज की सेवा कर सकते हो। इसलिए आज धार्मिकों में जितना बोलबाला है झूठ का, उतना और कहीं नहीं है, धार्मिकों में चलता है। तीर्थ यात्रा करना, गंगा नहाना, मक्का मदीना जाना, प्रयाग जाना, ये कुछ देर के लिए आदमी को शांति मिल सकती है, लेकिन वस्तुतः शांति का स्रोत ये नहीं है। शांति का स्रोत अपने ही अंदर में। सुख ढूंढ रहे हो बन बन में, वह है तेरे अंदर। सदगुरु विलास साहेब की कविता है, जिसे तुम ढूंढते हो बन बन में ढूंढते हो, वह तुम्हारे अंदर में है। सदगुरु विलास साहेब जी कहते हैं,
न जाने आदमी कहाँ कहाँ भटकता है सुख के लिए और सुख के स्रोत के लिए। आदमी मंदिर और मस्जिद में जाता है, याचना करता है, लेकिन जो हकीकत भगवान है उनसे वंचित रह जाते हैं, हकीकत भगवान से वंचित रह जाते हैं। दुनिया में आत्मा और परमात्मा के दर्शन कराने वाले भी हो गए हैं। अब जो आत्मा और परमात्मा का दर्शन कराते हैं, मैं एक जगह गया था तो कहे ये सब दुनिया कुछ ही समय में प्रलय होने वाला है, एक जगह का है, और करीब वहाँ हजार लोग थे, बहुत बड़ी हाल थी, बहुत बड़ा हाल, उसमें कहे प्रलय होने वाला है। मैं कहा बहुत अच्छी बात, मैंने एक प्रश्न किया, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप उत्तर देंगे। तो कहे प्रश्न करिए, प्रलय होने वाला है, हकीकत में क्या प्रलय होगा? तो कहते हैं हाँ, प्रलय एक न एक दिन हो करके रहेगा। मैंने कहा आप विश्वास करते हैं इन बातों में प्रलय होगा? तो कहते हैं हाँ विश्वास करते। तो मैंने उनको एक प्रश्न किया, यदि प्रलय होना ही है तो आप इतना सारे अपना जो क्षेत्रफल बढ़ाते क्यों जा रहे हैं, आप इतना मकान के ऊपर मकान क्यों बनाते चले जा रहे हैं, आपके पास मकान की कमी नहीं है, पर भी इतने मकान हर साल ना जाने कितने हजारों फीट मकान ठोक देते हैं आप, आपको विश्वास नहीं है आपके प्रलय होने वाले हैं, फिर बनाते क्यों हैं आप इकट्ठा क्यों करते चले जा रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा, आप यहाँ एक महीना रहिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी, और एक महीना रहूँगा तो अपना गुड़ खिलाएंगे मुझे। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। भगवान मैं मानता हूँ, भगवान नहीं मानता हूँ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कबीरपंथी भगवान का खंडन करते हैं, मैं भगवान का खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं असली भगवान को मानता हूँ। जिन्होंने हमको बनाया, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, उन भगवान के मैं भरोसे बैठता हूँ मैं, ना कि जिनको हमने बनाया। आज भारत का दुर्भाग्य है कि आदमी जिन भगवान ने हमको पैदा किया उन भगवान के साथ अहिष्कार करते हैं, उन भगवान के साथ अवहेलना करते हैं, और अपने हाथों से पत्थर का मूर्ति निर्माण कर लेते हैं, उसके सामने नाक रगड़ते हैं, और माता पिता के साथ बहिष्कार का भाव, क्या जीवन सुधर जाएगा? इसलिए नए वर्ष में मैंने कुछ देर आप लोगों के बीच कहा कि नए वर्ष में नए जीवन का शुरुआत करें हम, पुराने घिसी पिटी जिंदगी छोड़ दें हम, एक सुंदर जीवन का निर्माण करें, एक व्यवस्थित जीवन का निर्माण करें, एक अच्छे जीवन का निर्माण करें। हर कोई व्यक्ति फिर साधु हो सकता है, साधु कपड़े से नहीं, साधु कपड़े से नहीं। गुरुदेव जी ने एक प्रश्न उत्तर लिखा, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया संत कौन, तो सद्गुरु रविदास साहेब जी ने उत्तर लिखा संत कौन, गुरुदेव जी ने एक वाक्य में उत्तर लिखा, संत वह है जो दुखी नहीं होता है। गुरुदेव जी ये नहीं कहे कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं वो संत है, सन्यासी कलर पहनते हैं वो संत है, काला वस्त्र धारण करते हैं वो संत है, आश्रम में रहते हैं वो संत है, ये सारे अलंकारों को गुरुदेव जी ने किनारे कर दिया। एक वाक्य में उन्होंने उत्तर लिखा, जो दुखी नहीं होता है वह संत है। आप सब भी संत हो सकते हैं और संत है। हम जीवन को परिमार्जित करें, निचले स्तर से ऊपर उठाए, जीवन को सुंदर गढ़े, सुंदर सुंदर रूप दे, सुंदर संवारते चले जाए। आपके अंदर वो भगवत्ता रूप है, बस जागृत करने की जरूरत है, बस उसको ऊपर उठाने की। एक उदाहरण दूँ फिर अपनी बात समाप्त करूँ और आगे और संतों एवं विचारकों के विचार सुनेंगे। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, एक व्यक्ति रास्ते से गुजरते हुआ गया उधर, और मूर्तिकार के पास जा करके कहते हैं आपने क्या सुंदर मूर्ति बनाया है, इसकी कितनी ही विशेषता करूं उतना ही कम है। मूर्तिकार कहते हैं भैया विशेषता मेरी नहीं है, विशेषता इस मूर्ति की है, मैंने बनाया नहीं है, मैंने इस मूर्ति में कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने तो सिर्फ इतना बस किया था कि एक अनगढ़ पत्थर था, अनगढ़ पत्थर के अंदर मुझे मूर्ति दिखाई दे रही थी, मूर्ति पहले से विराजमान है, उसको मैंने सिर्फ छील करके निकालते गया। जो आप पत्थर का मूर्ति देख रहे हैं ना, उसको मैंने बनाया नहीं है, उसके जो बाह्य अंश था, गलत अंश था, उसको काट काट करके छील करके मैं निकालते गया। अब सुंदर रूप बन गया, सुंदर मूर्ति दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर था, इसलिए
यदि इसके अंदर नहीं रहता तो मैं ये मूर्ति नहीं बना सकता। वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर वो जोश, वो उत्साह, वो नए रास्ते, वो नए जीने का अंदाज, वो नए तरीका हर व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन को संवार सकते हैं, हर व्यक्ति अपने परिवार को सुंदर बना सकते हैं, हर व्यक्ति अपने माहौल को सुंदर बना सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैंने कुछ देर तक आप सबके समक्ष कुछ देर विराज रखने का विचार रखने का प्रयास किया। अब काफ़ी समय हमारे पास में, थोड़ी देर अपने अपने विचारकों के विचार सुनेंगे। विचार रखने के लिए निवेदन है, ग्राम सेमरिया से डॉक्टर रामशरण जी आप आए हैं, आपसे निवेदन है कि अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य साहेब जी एवं नए वर्ष में पधारे हुए समस्त भक्तजन, गुरुजन, सबको नए वर्ष का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कुछ कहने के लिए कहा है, लेकिन उतना मेरा समर्थ नहीं है। तो अभी जो सत्संग द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उनको मैं कह रहा हूँ। संत सम्राट कबीर साहब का एक पद है, भौजाल बकुजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर जो बाँच है जाके हृदय विवेक। कबीर साहब ने दो जाल बताए हैं, एक भौजाल और दूसरा है बकुजाल। भौजाल आप लोग देखे होंगे समुद्र में या नाला में, जो गोल गोल घूमता है, पुनः ऊपर उड़ता है, फिर नीचे जाता है, फिर उड़ता है, फिर नीचे जाता है, ये है भौजाल। बकुजाल वो है जो बगुलक भगत समान ऊपर से वेश बनाए हुए हैं। बगुला जिस प्रकार मछली खाने के लिए एक पैर में खड़ा रहता है और जैसे मछली जाता है टप से ले लेता है, फिर अपना ध्यान लगाता है, ये है बकुजाल। इसमें दोनों जाल में संसार के प्राणी डूबे हुए हैं। सांसारिक प्राणी जो है हर समय उसके मन में कुछ न कुछ विचार आते हैं, फिर दबते हैं, फिर आते हैं। कुछ चिंतन सांसारिक बारे में करते हैं, कुछ धन के बारे में करते हैं, कुछ अपने ज्ञान चर्चा में डूबे रहते हैं और उसी में तत्न रहता है। लेकिन और दूसरा एक प्राणी है जो वेश बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर जो है जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं, अंदर कुछ अन्य काम, अन्य चीज़ सोचते रहते हैं, उसी में भुला हुआ है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं और मानव तन पाए हुए हैं, उनको भूल गए हैं, वो है आत्मज्ञान। जब तक हम उस दोनों जाल से निवृत्त नहीं होंगे तब तक हम आत्मज्ञान नहीं होंगे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर जो बाँच है जाके हृदय विवेक। जिनके हृदय में विवेक जागृत होंगे, ज्ञान जागृत होंगे, सोचेंगे कि इस संसार में दोनों जाल भ्रम जाल है, उसे नहीं पढ़ना है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसको पहचान करना है, उसको देखते रहना है और अन्य जालों में नहीं पढ़ना है, तभी आदमी इस बहुत चक्र में बच सकता है और पुनः भौजाल भौजाल में बहेंगे। इसी प्रकार हमें संसार के सभी प्राणियों को सद्गुरु कबीर साहब अपनी साखी वाणी द्वारा बहुत सुंदर ढंग से हमें बताए गए हैं, ये भौजाल से बचना है कि मन में जो उथल पुथल हर समय आ रहा है उससे निवृत्त होना है। और जब तक निवृत्त नहीं होंगे तब तक हमें पूर्ण सुख एवं शांति नहीं मिलेंगे। और दूसरा है बकुजाल, बगुले के समान ऊपर में राम अंदर में कसाई, इस प्रकार हमें नहीं बनना है। हमें जो वास्तविक स्वरूप में जानकारी लेना है तभी हम
जो मानव जीवन पाए हैं सफलता मिलेंगे। इतनी महत्वपूर्ण साखी एकदम स्पष्ट रूप से कबीर साहब सबके सामने कह दी हैं। ऐसे उनकी एक एक साखी जो है मार्मिक साखी है और उसको मनन करना चिंतन करने योग्य है, तभी हम हमारे मानव जीवन सार्थक हो पाएंगे और सत्संग के लाभ होंगे। इन्हीं वाणियों साथ पूर्णमय सबको सदर साहेब बंदगी त्रैवार बंदन करते हुए अपने वाणी विराम देता हूँ। सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बोलिए। सतगुरुदेव की जय। इसी क्रम में आगे निवेदन है ग्राम सकरी सरपंच महोदय डॉ नारायण जी से। आप आए श्री नारायण जी, आप कुछ देर आप भी आए। अब आगे निवेदन है माननीय श्री डॉक्टर मधारण साहू जी से। आप आए और अपने विचारों से, आप एक अच्छे विचारक हैं, हम सबको लाभान्वित करेंगे। सही सही सही। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पहले तो सबको इस नए साल का मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और सभी संत गुरु से मैं यही इच्छा करता हूँ कि वे भी हम सब भक्त जनों को नए साल के लिए अच्छे वर्ष हमारे जीवन व्यतीत हो और सारी हमको मोह माया ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो होता है उसको हमें छोड़ देने के लिए एक शक्ति प्रदान करे। मैं संतों से निवेदन करता हूँ, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाएं। पुरानी चीज़ों का मतलब लोभ मद मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इत्यादि ही हमारे जीवन का पुरानी चीज़ है और ख़राब चीज़ भी है, बुराइयाँ भी है। इसको अगर हम छोड़ देते हैं, सदा के लिए छोड़ देते हैं तो और अच्छा। तो यही हमारे नए साल के मुबारकबाद देने का अर्थ होता है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो नए साल का मुबारकबाद कुछ भी नहीं हो सकता। अभी अभी हमारे साहेब श्री अनिल साहेब जी से मैं थोड़ा वचन सुना हूँ उनके अनुसार, और श्री डॉक्टर रामशरण लाल साहू जी भी बोले हैं कि दोनों ने करीब करीब भ्रम जाल के संबंध में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। बस इसी विषय पर मेरा भी थोड़ा सा है, उसको कृपा करके सुन लीजिए। अगर मुझसे गलती हो जाती है तो उसे क्षमा कर देंगे। एक कहावत है, ये कबीर साहब जी का हो चाहे किसी का हो, लेकिन मैं पढ़ा हूँ कि पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हाँसी, मुझे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी। ये कैसे शब्द है उटपटांग सा। यही कबीर की वाणियों में बहुत ही ज़्यादा रहस्यात्मक बात होती हैं,
जिसे आप और हमको समझना है। सच्ची बात है, जब कोई पानी में, मछली का जीवन सिर्फ पानी में है, पानी को से उसको बाहर निकाल दिया जाए तो उसका जीवन बिल्कुल ही शांत हो जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो साहब जी का कहना है कि पानी में मछली रहते हुए भी प्यासा है। क्यों है? क्योंकि उनको भ्रम है, मात्र भ्रम होता है और उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। नहीं तो हम पानी में रहकर प्यासे कैसे हो सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी को हमको ज्ञान से अर्जित होना चाहिए। हम भ्रम में पड़े रहते हैं। हमको अपने शरीर के अंदर जो चीज़ है उस चीज़ को हम नहीं जानते और हम भगवान को खोजने के लिए, अपने पाप को काटने के लिए इधर उधर मथुरा, काशी इत्यादि जाते रहते हैं। हम अपने अंदर जो आत्मज्ञान है, आत्मा शरीर में प्रवेश होता है, उसको नहीं जान सकते। सबके पास शरीर होता है, शरीर में ही आत्मा का स्वरूप होता है, जिसको हमें समझना है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कहीं मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा जैसे मृगा गर्भ कस्तूरी, जैसे मृगा गर्भ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। ठीक वैसे ही हम लोग भी हमारे ही शरीर के अंदर ये ईश्वर रूपी जो आत्मा है वो है, परंतु हम उसको नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कि ये हमारे शरीर का हमें बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है, शरीर का हमें गर्व हो जाता है। हमारा शरीर तो ऐसा है, हमारा शरीर तो मोटा है, हम बलवान हैं, वैसे ही हम धनवान हैं, हम सब कुछ हैं, हम करेंगे तो सब होगा। लेकिन आप कौन हो उसको आप खुद नहीं जानते। मैं कौन हूँ इसको मैं नहीं जान सकता। जो अपने शरीर को नहीं, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको नहीं जान सकता, वही इधर उधर भटकता रहता है। विवेक प्रकाश में मैं पढ़ा हूँ, उसमें एक प्रसंग आता है। शंकर महादेव जी अपने पार्वती जी से कहते हैं कि देखो प्रिय, कि इस संसार में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं लेकिन उसको भगवान कहीं नहीं मिलता, तो ये सब क्या चीज़ है? तो उसमें संस्कृत में एक श्लोक आता है, इदम तीर्थम भ्रमान्ति सर्वे जनाः, इदम तीर्थम भ्रमान्ति सर्वे जनाः, आत्मतीर्थम न जानान्ति कथम मोक्ष सुनो प्रिय। हे प्रिय सुनिए कि आदमी लोग जो है, प्राणी लोग जो है, बुद्धिजीवी जो लोग जो हैं, वो इस तीर्थ से भटकते रहते हैं और उसे वहाँ जाकर कुछ मिलता नहीं है। तो इसको भ्रमना नहीं है, भटकना नहीं है, तो क्या करना है? आत्मतीर्थम न जानान्ति कथम मोक्षम सुरूपने। ऐसे लोग अपने मोक्ष के लिए, जीवन मुक्ति के लिए वो भटकते रहते हैं, तो कैसे उसको इस मोक्ष प्राप्त होगी? तो बस यही
कहना है, और ये मोक्ष क्या चीज़ है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा। बहुत से और प्रवक्ता हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त कर देता हूँ। मोक्ष जो है, हमें मोक्ष किसे करने, मोक्ष माने त्याग, त्याग पूरे त्याग। ये त्याग क्या चीज़ है? त्याग ये है कि अपने क्रोध को त्यागे, अपने मोह को त्यागे, अपने अहंकार को त्यागे, अपने ईर्ष्या को त्यागे, अपने लोभ को त्यागे, पाप कर्म को त्यागे, और इन सबको जब आप त्याग देते हैं तो आपका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप गंगा में नहा लो। अभी अनिल साहब जी कह रहे थे कि गंगा में नहाने से हम मन थोड़े दिन के लिए भले अच्छा लगे, लेकिन वो सही बात नहीं है। सही बात यह है कि जो आप अपना आत्मा को पहचानो, और पहचानने के बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक जगह मैं पढ़ा हूँ, श्री प्रभुपाद साहेब जी, श्री प्रभुपाद साहेब जी का कहना है कि अगर आप आत्मा को जान लिए, अपने शरीर में स्थित जो आत्मा है उसको जान लिए, तो वही भगवान का नमूना होता है। लोग भगवान के नाम से बहुत से, वो बता रहे थे कि भोग नाम, भगवान के नाम से बहुत से उधर उधर ठग होते रहते हैं, लेकिन भगवान है कौन? भगवान कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। वो ऊपर में बसता है कि नीचे बसता है, कहाँ बसता है, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मा को पहचान लो तो वही भगवान के रूप में माना जा सकता है। हमारे श्री संत प्रियवलास साहब जी कभी कभी प्रवचन में कहा करते थे, और मैं सुनता था, वो मुझे शब्द याद है। वो ये है कि अगर हम आत्मा को जान लें, लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान, वो भगवान, वो भगवान, दुनिया भर के भगवान, कई भगवान, तुम किसको माने? ऐसा नहीं है। तो बहुत से शास्त्रियों ने, धर्म शास्त्रियों ने ये खुलकर बोला है कि अगर भगवान है तो वो शिव है, शंकर नहीं। शंकर और शिव में अंतर है, ऐसा उन्होंने कहा कि शंकर संहार करता है लेकिन शिव कल्याण करता है। शंकर भगवान भी शिव की आराधना में लगे हुए रहता है, फोटो में आप देखेंगे तो शिव ही कल्याण करता है, उसी को भगवान मानेंगे। हमारे अबलास साहब जी कहते हैं कि हम अगर आत्मा को जान लिए तो हम शिव भगवान को जान लिए, इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा है उसको सबसे पहले जानना जरूरी है। संत प्रवर हमारे कबीर साहब जी यही कहा करते थे। बीजक में एक जगह आया है, रमैनी में, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, ये शुरू होता है वहीं से। तो अंतर ज्योति क्या है? अंतर ज्योति जो हमारे अंदर में एक ज्योति जलिल प्रज्वलित हो रही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम शक्ति कहते हैं, दूसरी भाषा में हम उसको भगवान भी कह सकते हैं। अब एक कल्पना कीजिए, आप अभी सब अपने अपने शरीर लिए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ से आत्मा निकल गया तो आपके शरीर मूर्ता हो जाता है। आँखें वही है, कान वही है, मुंह वही है, जिभ्या वही है, लेकिन आत्मा नहीं है। तो आप न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न किसी से मिल सकते हैं। इसलिए हमारे आत्मा ही बहुत अच्छी चीज़ है, उसको समझना यानी आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और उसके अंदर जब आप अपने आत्मा को जान लेंगे तो आत्मा का गुण जो होता है वो भी आपको जानना जरूरी होता है। आत्मा का गुण मन, संस्कार, पवित्रता, ये तीन बहुत बड़े गुण हैं उसके। जहाँ आपने आत्मा को समझा वहाँ पर मन की शुद्धता आएगी, शरीर की पवित्रता आएगी, और संस्कार आपके नए नए कर्म बनते चले जाएंगे, और अच्छे कर्म करते जाएंगे तो अच्छा फल की प्राप्ति होती है। तो ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन अभी जो आज की जो सभा है वो नए वर्ष को विदा कर रहे हैं,
और नहीं नहीं पुराने वर्ष को हम विदा कर रहे हैं पुराने सालों को और नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। और इस नए वर्ष में स्वागत करने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और स्वागत और विदा, विदा का मतलब ये है हम जितनी भी बुराइयाँ हमारे पास रहता है चाहे वो अनजाने में हो जाए चाहे जानकर भी करें, जानकर करते हैं तो बाद में आपको प्रायश्चित करना ही चाहिए, अगर अनजाने में करते हैं तो एक बार क्षम्य है, लेकिन जानकर जो अपराधी करता है वो कभी भी क्षम्य नहीं होता। इसलिए हमें अपनी बुरी बातों को छोड़कर नए साल में हमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ गिनाना है, ये बस मैं इतना कहूँगा। और इसी संदर्भ में मैं एक कल्पना किया कि ये नए साल में क्या क्या होता है। तो पुराने जो हम अभी पिछले समय दशहरा दिवाली मनाए हैं बड़े उत्साह से मनाए हैं, दीपावली मनाए हैं बहुत खुशियाँ मनाए हैं, लेकिन उसमें किसी ने विकार को हटाया? अंधियारी, अंधियारी का मतलब वही लोभ लालच अहंकार, इसको किसी के पास ने अभी तक हटा है? नहीं हटा है। ये सब कारण क्या है? हम अच्छे सोच अपने आत्मा को पहचान नहीं सकते, हम उसके जो गुण हैं उसको हम धारण नहीं कर सकते, इसलिए नहीं पहचान सकते। और इसी संदर्भ में दशहरा मनाया जाता है। दशहरा में रावण कितने बार जलाया जाता है? हर साल तो रावण जलाया जाता है, लेकिन क्यों जलाया जाता है? कि हम ऐसे रावण मतलब माया वगैरह इत्यादि खराब इतने जो है ईर्ष्या दो सब माया के अंतर्गत रावण वही है, उसको हम छोड़ें और नई चीज राम, राम राज्य, राम राज्य की ओर अपना अग्रसित हो जाए। तो ये खास बात है आज की मनाने का। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी कविता बनाया हूँ, कल्पना है मात्र, उसके तुक पर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनकी जो भावना है मेरी भावना है उस पर ध्यान देना है। लोगों को बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन समय अभाव में मैं कुछ नहीं कर बोलूँगा, लेकिन जो मेरी खुद की जो भावना है उसको मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। रावण माया है, ईर्ष्या है, जितने भी हमारे शरीर में दोष होते हैं उसको हम रावण कहते हैं, लेकिन राम रावण को मारने जाते हैं। तो राम अच्छाइयाँ 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 जितने भी अच्छाइयाँ है वो राम है। तो दशहरे के दिन भीड़ ने चली रावण को जलाने, दशहरा के दिन यही होता है, भीड़ में आते हैं लोग रावण को जलाने चले जाते हैं। भीड़ ने एक दूसरे को देखा और कहा जरा भूजो, भीड़ ने चली रावण को जलाने, रावण ने कहा जरा रुको। भीड़ ने एक दूसरे को देखा और कहा जरा बूझो, कौन जाए रावण को जलाने। अब भीड़ में सोच रहे हैं कौन जाए रावण को जलाने, अपनी अपनी ताकत को समझे, जिसके पास ताकत हो वही राम को जलाने को जावे। तो फिर कहा रावण ने, उतने में रावण ने फिर कहा खबरदार खबरदार, वही आए जो अपने को राम समझे। फूल गिला जो डाली से उसको क्या लगा पाओगे, रावण बोल रहा है भीड़ से यानी राम के आदमियों से कि फूल गिरा जो डाली से उसको क्या लगा पाओगे, जो खुद जल रहा ईर्ष्या से, जो खुद जल रहा ईर्ष्या से वो मुझको क्या जला पाओगे। ये रावण व्यंग मार रहा है सब लोगों को, जो जीता नहीं विकारों को मुझको क्या डिगा पाओगे, जो खुद जल रहा अहंकारों से
मुझको क्या जला पाओगे, ये रावण का अहंकार में बोल रहा है, अपने आप को जाने बिना, अपने आप को जाने बिना क्या खुदा को पहचान पाओगे। जो खुद जल रहा काम क्रोधों से, जो खुद जल रहा काम क्रोधों से, मुझको क्या जला पाओगे। बुराई पर विजय पाने बगैर, बुराई पर विजय पाने बगैर क्या अच्छाई ला पाओगे। अरे मानो, अरे मानो आलस्य भरा तेरे अंदर, अरे मानो आलस्य भरा तेरे अंदर, मुझको क्या जला पाओगे। लोभ मोह और निद्रा से क्या निजात हो पाओगे। जो स्वयं जल रहा घृणा से, मुझको क्या जला पाओगे। रावण को जलाने के पहले, हरे मानो रावण को जलाने के पहले अपने शक्तियों को जगाना होगा। रावण को जलाने के पहले अपने शक्तियों को जगाना होगा। इस नए साल और नए दिन में विकारों को भगाना होगा। इस नए साल और नए दिन में विकारों को भगाना होगा। यह पता था रावण को, यह पता था रावण को कि उसके सिर पर गधे का ताज है। यह पता था कि रावण को उसके सिर पर गधे का ताज है। अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं है उसके प्रभाव से। विश्व में केवल रावण का राज है। यानी बुराइयां बुराइयां का ही राज है। ये तो जलाते हैं तो बुराइयां हट जाना चाहिए। फिर रावण यहाँ पर अहंकार से बोल रहा है और व्यंग मार रहा है। हर साल लोग मुझे जलाते हैं पर मैं तो कभी जलता ही नहीं। हर साल लोग मुझे जलाते हैं पर मैं तो कभी जलता ही नहीं। इसलिए अगले बरस फिर मैं आता और अंधियारी हटता ही नहीं। दिन ढलने लगा। अंत में रावण बोलता है राम के आदमियों से कि दिन ढलने लगा फिर सुनहला शाम है। मुझे वही जला सकता है जो पुरुषोत्तम राम है। जय श्री कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर आपका विचार सुने। अब सरपंच महोदय से निवेदन है कि आप भी सोचने का वक्त मांगे थे, आप भी आइए और अपने विचारों से लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की। आज बहुत ही खुशी का दिन है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स, बहुत बहुत बधाइयाँ नया वर्ष की। अभी बोलने का तो मन नहीं था, मैं सभी संतों से और अपने बुजुर्गों के अमृतवाणी सुनकर आनंद ले रहा था और मुझे अभी उतना कहा जाए बोलने के मूड में ही नहीं हूँ इसे। लेकिन फिर भी यह जो आश्रम है, साहेब जी ने बहुत ही मेहनत से हम सब के बीच में हमारे गांव में यह आश्रम बना है और साहेब जी का एक प्रयास है कि हमारे आश्रम में सब आकर परिवार सहित आकर यहाँ जुड़ो और अपने परिवार समाज और गांव का जितना भी हो सके एक अच्छा मतलब सुधार करना है।
इस दृष्टिकोण से साहेब जी हर हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहते हैं और हम सब मोह माया में इतना जकड़े हुए हैं कि दो मिनट मतलब दो कदम आश्रम में भी नहीं आ पाते। शायद मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी आश्रम बहुत कम आ रहा हूँ इस समय। इच्छा तो रहता है कंटिन्यू आश्रम जाने का लेकिन नहीं आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आश्रम में हम सब जुड़ेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, हमारे बच्चे को नया संस्कार मिलेंगे। क्योंकि सभी जानते हैं, गांव के बच्चे बुजुर्ग सब जानते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। कोई ना कोई बताता है कि आश्रम से आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, कि शराब भट्टी से आ रहे हैं, कि जुआ के थौर से आ रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन जहाँ से हम जाते हैं उसका लाभ बहुत बड़ा मिलता है। अगर हम आश्रम से जाएंगे तो उसका लाभ अलग होगा, शराब भट्टी से आएंगे तो उसका लाभ अलग होगा, और जुआ के ठौर से जाएंगे तो उसका लाभ अलग होगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग जान जाते हैं कि किस किस संगत में है, कैसे जगह उतना बैठना है और कैसे व्यवहार में वो चल रहा है। किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आश्रम में आने से सबका हित होगा, पूरा परिवार का, गाँव का, रिश्तेदार का, सबका। तो मैं ज़्यादा अपने बात को नहीं रखते हो यहीं पर। साहेब बंदगी साहेब बोलिए। सदगुरुदेव की जय। सरपंच महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। आश्रम एक ऐसा जगह है जहाँ एक नए तरंग हर व्यक्ति के मस्तिष्क में वो विचार जाता है, जहाँ उलझे हुए चीज नहीं, शांत माहौल आने से ही प्रभाव पड़ता है। और ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हर महीना का पहले तारीख सत्संग, और इसके सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है डॉक्टर मनहरन साहब को। आपने बात रखी कि हर महीना के एक तारीख हर महीना सत्संग होना चाहिए, मीटिंग हुआ, सबके मन में तो था होना चाहिए, लेकिन बात आपने रखी और शुरुआत हुआ। आपके लिए श्रेय जाता है कि आपने बहुत अच्छा हम सबको राय दिए और हर महीना सत्संग होगा। आपकी जीवन का 12 दिन का टाइम लेना चाहते हैं हम सब, 12 दिन का। बस एक साल में 12 माह होता है और 12 माह से 12 दिन के यदि आप टाइम देते हैं तो शायद आपका कोई घाटा नहीं होगा। इसके बदौलत आप लोगों को बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। वो मिलेगा, सबसे अच्छा चीज़ है संस्कार, और वो आपको नहीं आपके बच्चे के लिए होगा। वो संस्कार आपके बच्चे के लिए होगा, और आपके बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। इसलिए बुढ़ापे की लाठी मजबूत बनाना है, स्तंभ मजबूत तैयार रखना है आपको, तो आपको आश्रम में सीखिए, बड़े संतों के पास जाइए, सत्संग हो रहा है वहाँ जाइए, तो आपके जीवन का निर्माण होगा। और आज का हर महीना तो सत्संग होता है, लेकिन हर महीने के सत्संग में अलग अलग दिन किसी किसी का प्रोत्साहन होता है, किसी की ओर से भोजन प्रसाद। पहले बार महिला सत्संग शुरू हुआ तो माननीय श्री द्वारिका साहू जी की ओर से था। आज का भोजन प्रसाद भक्त प्रसव प्रवर जिन्होंने आश्रम का निर्माण किया, बिसवा राम जी भक्त, उनकी धर्म पत्नी की श्रद्धांजलि के रूप में आपके सुपुत्र आप यहाँ पर बैठे हैं, रविशंकर जी, आपके परिवार पूरे आए हैं। आप लोगों ने आज के भोजन का प्रसाद विशेष सहयोग आज आप लोगों की ओर से है, आप सभी को। और माता जी की आज श्रद्धांजलि है, उनकी यादें हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धांजलि होगी एक न एक दिन। और उस श्रद्धांजलि में हमारे बारे में क्या चर्चा होती है, वो हमारे गुणों की विशेषता होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि श्रद्धांजलि के बाद व्यक्ति आपस में क्या चर्चा करते हैं। श्रद्धांजलि में सब प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन आपस में क्या चर्चा करते हैं कि व्यक्ति कैसे थे, वास्तव में वो चीज़ मूल चीज़ है। और माता जी ने कुछ संस्कार दिया था, उसी बदौलत आज पूरे परिवार इस आश्रम परिसर में आए हुए हैं। आज पूरे आश्रम परिवार इस आश्रम में आए हैं, और उनका देन है, उन सबका देन है कि आज आश्रम उन लोगों ने शुरुआत किया, और आप सबके सहयोग से और साहेब जी के कृपा से आज आश्रम बहुत ही आगे विकास किया है, बहुत ही आगे। आप सबका सहयोग बनता रहेगा, ऐसा ही विकास होता रहेगा। और आप सबसे बड़ी विकास इस आश्रम का मकान बनते जाना नहीं, मकान तो बहुत बन गया, सबसे बड़ी इस आश्रम का विकास है आप इस आश्रम से जुड़े, अपने बच्चों को इस आश्रम से जोड़ते जाए, सबसे बड़े विकास ये चीज़ है। आपस में प्रेम हो, आपस में स्नेह हो,
आपस में माधुर्य का भाव हो, ये आश्रम का विकास है। मकान बनना आश्रम का विकास नहीं है। आप सबका इस आश्रम में आना आश्रम का विकास है। आप सबसे इसलिए निवेदन है कि हर महीना प्रोग्राम होगा, हर महीना के एक तारीख को आप आए, अपने परिवार को लाए और पूरे आश्रम में आप लोग सहयोग प्रदान करें। अब हमारे बीच में आदरणीय श्री द्वारिका प्रसाद साहू जी, आपसे निवेदन है। उसके पहले मास्टर साहब रूपदास जी से आप निवेदन है, श्री मास्टर साहब रूपदास जी से, कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम श्रद्धे इस आश्रम के संस्थापक श्री गुलतन साहेब जी, पूज्य साहेब जी, संत समाज एवं हमारे कबीरपंथ समाज के संरक्षक दाऊ द्वारिका साहेब जी, डॉक्टर साहब जी, माता बहनों, बच्चों, यह बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे इस सकरी ग्राम में आश्रम का निर्माण हुआ है और दिनों दिन प्रगति पथ पर है और ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पिछले समय नवंबर में यह विचार हुआ कि लोग आते हैं दूर से, तो यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम हो, भोजन तो होता ही है, और एक तारीख को निश्चित किया गया। दुख की बात है कि मैं दिसंबर में नहीं आ पाया था। कल हमारे पूज्य द्वे साहेब जी से आपका फोन गया और आज भी नहीं आ पाता, लेकिन मैं कहा कि चलो चलना ही चाहिए और बच्चे को थमा करके फिर आज आया हूँ। आप सबका दर्शन हुआ। सज्जनों, हमारे कबीर पंथ जो दुनिया का प्रकाशक यह समाज है, दुनिया का, कबीर साहेब के हृदय में इतनी उदारता थी, कहा जाए कि अयम निजा परोवेति गन्ना लघु चेताम उदार चरता नाम तू बधय कुटुम्बकम। पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझा, समाज समझा और मानव का तो विशेष उनके हृदय में अथाह प्रेम था कि मानव के पास ही बुद्धि और विवेक है। विचार और विवेक दो जो आँखें हैं मात्र मानव के पास हैं। वैसे उनके हृदय में तो पूरे जीव मात्र के प्रति दया है। जीव दया पर है आत्म पूजा, सद्गुरुदेव और नहीं दूजा, लेकिन मानव के प्रति विशेष लगाओ। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। मानव प्रति अथाह प्रेम, यही एक जीवन है। तीन खानियों के अंतर्गत में भटकते हुए यह जीव अनादिकाल से आ रहा है और आज अवसर है। आज अगर यह जीव अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक पद को नहीं पहचान पाया तो फिर वही पौ में आज नहीं पड़ा तो फिर भटकेगा 84 खानियों में, तीन खानियों के अंतर्गत में पुनः जाएगा, अंडज पिंडज उखमज और यह मानव। तो सज्जनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार कबीर पंथ में पैदा हुए और
इस पंथ के पथ प्रदर्शक हमारे पूज्य गुरुजन और ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी उनको गति देते देते आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व होता है इस आश्रम के निर्माण से और हम सबको पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा संत समाज के द्वारा जो लाभ मिलता है लेते रहें, हमेशा यहाँ उपस्थिति बनी रहे और दिनों दिन बढ़ती रहे, यही भाव मन में है। और मैं क्या कहूँ, अभी पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा सुन ही रहे थे और भी वक्ता हैं। मैं छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज, हमारा बहुत बड़ा समाज है सज्जनों, इस समाज के अंतर्गत में दामा थोड़ा परिचय दे दूं। दामाखेड़ा में 1903 में आचार्य उग्रनाम साहेब आए, जिसे उस समय दयानाम साहब एक संस्था धर्मदासी प्रथा के अंतर्गत में, धर्मदासी प्रथा धर्मदास साहब की परंपराओं के आधार पर ये 12वीं-13वीं पीढ़ी है उग्रनाम और दयानाम, तो वहाँ आए और वहाँ से ही छत्तीसगढ़ का में कबीरपंथियों का गठन, क्योंकि उस समय कोई आवागमन के साधन नहीं था, देश परतंत्र था। पूज्य आचार्य जी जगह जगह जा करके रम्मत गांव गांव में तम्बू तान करके अपने प्रवचन, शिक्षा, उपदेश, शुद्ध खान पान, रहन सहन, गलत व्यक्तियों से हट करके अपना व्यवहार करो, यह उनका उद्देश्य था। क्योंकि संसार में सभी किस्म के लोग हैं, अनादिकाल की संस्कार लगा हुआ है, कैसे छूट पाएगा। इस प्रकार से प्रकाश डाला और कुछ लोगों को उनका उनकी जो बातें हैं असर किया और उनके आधार पर लोग संगठित हुए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सभा जोड़ा जाए। तो 1921 में रामसागर पारा रायपुर में सभा हुआ और उस समय उन लोगों के समय के अनुसार से बहुत भारी सभा हुआ, जिसकी परंपरा आज तक चली आ रही है। 5 वर्ष में चुनाव होता है और इन्हीं परंपराओं को ख्याल रखते हुए हमारे सिमरिया ग्राम में 28, 29, 30 और 31 जनवरी को इस साल महासभा होना है, तो आप सब आमंत्रित हैं। मैं पाम्पलेट भी लाया हूं और समय अगर अधिक ना हो तो मैं थोड़ा वो पाम्पलेट भी दे दूं और छत्तीसगढ़ के संबंध में एक भजन भी प्रस्तुत कर दूं, ताकि सब जानकारी भी हो जाए। तो ये बोलूं है? हाँ, भजन बोल देता हूँ। जय हो सतगुरु कबीर की, जय हो सत्य धर्म बताने वाले, सत्य राह दिखाने वाले, गुरु कबीर तेरी जय हो, जय हो जय हो जय हो। छत्तीसगढ़ कोने कोने में साहू बंधु है छाए, कोई साका कोई मांसाहारी,
भेद समझ ना आए, बेटी रोटी लेन देन में, बेटी रोटी लेन देन में विवेक विचार छन्नी हो। जय हो जय हो सत्य गुरु कबीर की जय हो। सत्य धर्म बताने वाला, सत्य राह दिखाने वाला, गुरु कबीर तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो। कबीर अनुयायी मिल कर के संगठन सुदृढ़ बनाए, आरती चौका और पारखी भेद कछु न लाए। क्योंकि कबीर श्वेत झंडा है निराला, वही श्वेत झंडी हो। जय हो जय हो सत्य गुरु कबीर की जय हो। सत्य धर्म बताने वाला, सत्य राह दिखाने वाला, गुरु कबीर तेरी जय हो। आओ जागे और जगावे, सत्य धर्म अपनाए। आओ जागे और जगाए, सत्य धर्म अपनाए। खान पान और रहन गहन में शुद्ध आचरण अपनाए। चुक किसी से हो भी गई है, चुक किसी से हो भी गई है, अब ना चूक मैं हो। जय हो जय हो सत्य गुरु कबीर की जय हो। सत्य धर्म बताने वाला, सत्य राह दिखाने वाला, गुरु कबीर तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो। तिल पेरने के कारण हम तेली जात कहाए। पूर्वज काफी वैज्ञानिक भी थे हमारे, हम सबके, और उन्होंने तिल का आविष्कार किया, तेल निकाले और पेरे। उसी के नाम पर, उसी कथार पर हम लोगों को तेली भी कहा जाता है। तिल पेरने के कारण हम तेली जात कहाए। जब तेल हो गया घर में तो दूसरे लोग भी मांगे तो बस उनको दे दिए। साहूकारी प्रथा हम सब समाज के ही तरफ से, तेली समाज से ही हुई है, इसलिए हम सबका सरनेम हुआ साहू। तिल पेरने के कारण हम तेली जात कहाए। साहूकारी लेन देन से, साहूकारी लेन देन से यही नाम धराए। साहू सत्य पथ राही होते, साहू सत्य पथ राही होते, झूठ फरे भी ना हो। जय हो जय हो सत्य गुरु कबीर की जय हो। सत्य धर्म बताने वाला, सत्य राह दिखाने वाला, गुरु कबीर तेरी जय हो। जय हो जय हो जय हो।
संत समाज से विनय यही है, आपसी मत भेद भुलावे, पथ प्रदर्शक गुरुजनों से विनय यही है, आपसी मत भेद भुलावे, आलोचनाओं से बच करके पंथ में सुधार लावे, आलोचनाओं से बच करके पंथ में सुधार लावे, कबीर पंथ अमर रहे, कबीर पंथ अमर रहे, नित नौ जागृत मैं हो, जय हो जय हो सतगुरु कबीर की जय हो, सत्य धर्म बताने वाला, सत्य राह दिखाने वाला, गुरु कबीर तेरी जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार आपसे सुने। हम सबके व्यस्तन जीवन में कुछ समय निकाल करके ऐसे विचारों से लाभान्वित होते हैं, जीवन में नए प्रकाश मिलता है। शायद यहाँ बैठे लोगों में से हम सब में सबसे ज़्यादा व्यस्त मैं किनको कहूँ तो लगता है मुझे माननीय श्री द्वारिका साहू जी को, जो कि रोज़ के दौड़ा होता है, यहाँ वहाँ रोज़ का दौड़ा। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आप हम सब के बीच में आते हैं, और आपसे निवेदन है कि अपने विचारों से हम सबको भी लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अनिल बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आज वर्ष का पहला दिन है, पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, भक्त समाज, भक्तमती माताएं, नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज ही आप संकल्प ले लीजिए और निर्णय भी ऐसा लीजिए जो आप कर सकें। आज वर्ष का पहला दिन है, हम अपने मन में ये सोच लें, पिछले साल हमने क्या किया, हमने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ अच्छा काम किया, उसको याद करें, और आज नया वर्ष में ये संकल्प ले लें कि आज हमको अच्छा कार्य करना है। क्योंकि हम परिवार में हैं, भाई भाई के बीच में हैं, माता पिता के बीच में हैं, जहाँ माता पिता हैं, जहाँ भाई भाई हैं, वहाँ कई प्रकार की बातें आते जाते रहते, क्योंकि यह सांसारिक माया है। उसके बावजूद भी हम ऐसे मार्ग में अपना मन लगाए हैं, अपने परिवार को उस मार्ग में लाए हैं जो हमें अच्छे विचार की ओर प्रेरित करता है। सद्गुरु कबीर साहेब की बातों पर, उनके विचारों पर थोड़ा सा समय निकाल के अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आप आज जो पहला दिन है, ऐसा भी ना समझे कि आज पहला दिन है तो अच्छा कर लें और दूसरा दिन फिर अपने वही रूटीन में आ जाएं, वही
कार्यकलाप में आ जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम पहले दिन से संकल्प ले लें, क्या होता है जैन साधु लोग, जैन समाज के मानने लोग, इन लोग क्या करते हैं, अपने गुरुजी के सामने संकल्प लेते रहते हैं कि आज मैं इस काम को नहीं करूंगा, ये संकल्प लेते हैं। खाने में भी संकल्प लेते हैं कि आज मैं इस सब्जी का त्याग करता हूं, इस सब्जी को मैं अपने जीवन भर नहीं खाऊंगा। तो हम कौन सा ऐसा संकल्प लें, हमारे जीवन में कैसे कैसे बाधाएं आती हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं, उस विचार को आपको मनन करना है, चिंतन करना है, और उस चिंतन कर करके ऐसे दुर्गुण को त्याग करें और सद्गुण को मार्ग को पकड़ लें। अभी साहेब जी ने कहा है कि बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। व्यस्त आप सब हैं, कोई खाली नहीं है, लेकिन कुछ लोग को मजा आता है चौपाटी में बैठ के, चौपाल में बैठ के एक दूसरे का बुराई करने में मजा आता है, वो नित्य उनका क्रिया है। अगर थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, जो काम धाम से निवृत्त हो गए हैं, अब उनके पास कोई काम नहीं है, तो जरूर वो ऐसे जगह में बैठेंगे जहां गांव की आम चर्चा को अपने बीच में ला करके वो बातें करते रहते हैं। और ज़्यादा खाली रहेंगे तो आजकल ये चौसर लगा लेते हैं, पासा ढुलाते हैं, उसमें टाइम पास करते हैं, कई लोग ताश खेल करके टाइम पास करते हैं, यानी कोई खाली नहीं है, सब में कोई ना कोई काम में, कोई ना कोई काम में व्यस्त हैं। लेकिन हम ऐसे काम करें अपने जीवन में, ऐसे काम को मन में बसा लें, मन में बिठा लें, जिसमें कोई बुराई ना हो, परिवार का भला हो, सद्गुण का मार्ग पकड़ लें। साहेब जी के द्वारा हम अभी विचार सुनेंगे। आज पहला दिन है तो अच्छा काम करें, दूसरा दिन को भूल जाएं, ऐसा कभी जीवन में ना लाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी कम नहीं हो सकता, फूलों में कभी खुशबू कम नहीं हो सकती, वैसे आपके मन में भी ये विचार आना चाहिए। आप में सारी गुण हैं, आप मानव हैं, और मानव में ही पूरा गुण है। इस गुण को थोड़ा सा अध्ययन हमारे गुरुजन के सामने, उनके विचारों से अवगत होते रहते हैं, उस विचार को अपने जीवन में जरूर लाएं। बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज 18, 19, 20 फरवरी को जो साहेब जी का कार्यक्रम होना है, श्री धर्मेंद्र साहेब जी का, जो प्रतिवर्ष यहाँ 19वां वर्ष, अभी आने वाला वर्ष जो है 19वां वर्ष के रूप में हम कार्यक्रम को मनाएंगे, उस कार्यक्रम को चूँकि सक्रिय आश्रम इस क्षेत्र का एकमात्र आश्रम है जहाँ साहेब जी का कार्यक्रम होता है, एक नया पारा पूरा छत्तीसगढ़ के स्तरीय कार्यक्रम हो जाता है, और ये जो सक्रिय आश्रम है ये भी उसका दूसरा रूप है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो ये भी आश्रम में 18, 19 और 20 फरवरी को जो होना है, शुक्रवार, शनिवार और इतवार दिन भी अच्छा हमको मिल रहा है, तो इस कार्यक्रम को हम कितना बढ़िया सफल बना सकें उसकी तैयारी हम सबको करना होगा। क्योंकि एक अच्छी परंपरा इस आश्रम के माध्यम से शुरू हुआ है कि पहले तारीख को, महीने की पहले तारीख को सत्संग का कार्यक्रम, और जिससे जो बन सके वो अपना योगदान भी दें, क्योंकि ये आश्रम भक्तों के द्वारा संचालित है और हर आश्रम भक्तों के द्वारा संचालित होता है।
अभी आश्रम निश्चित रूप से जो 19 वर्ष तक हम साहेब जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उनकी विचारों से अवगत होते आ रहे हैं, पूज्य श्री अविलास साहेब जी के द्वारा संचालित प्रथम पहले हुआ, उसके बाद अब धर्मेंद्र साहेब जी यहाँ पधारते हैं, तो इस आश्रम में सारी चीज की व्यवस्थाएं हो चुकी है, कुछ बाकी है वो भी हो जाएगा, लेकिन अब हम सिर्फ अपने मन को, अपने विचार को कबीर साहब के विचारों पर अवगत करते हुए अपने मन को बनाएं, अपने विचार को रखें। इसमें कुछ पदाधिकारियों का भी चयन हुआ है। साहेब जी ने फोन के माध्यम से सबका विचार पूछे और विचार जानने के बाद हमारे कुछ पदाधिकारी का भी गठन हो चुका है। अब पदाधिकारी होने के नाते उनका काम थोड़ा और बढ़ गया, इस कार्यक्रम में उनका योगदान ज़्यादा होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से हम इस काम को हमारे पदाधिकारी के माध्यम से नहीं हो पाया था, लेकिन साहेब जी के द्वारा तो लगातार संचालित हो ही रहा है। प्रमुख तो हमारे साहेब जी ही हैं, लेकिन एक माध्यम और जुड़ गया है, उस माध्यम में संरक्षक के रूप में चूँकि मैं यहाँ का और सदस्य हूँ, पहले से मेरा नाम साहेब जी ने ले चुके हैं, तो मैं अपना विचार कि थोड़ा मना भी किया कि साहेब जी और को मौका दीजिए, तो नहीं इस पद में आपको रहना ही है, ऐसा करके मुझे संरक्षक का पद मेरे को दिए हैं। मैं साहेब जी के चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अध्यक्ष के रूप में संतोष साहू जी जो रीमा के निवासी हैं वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमारे सदस्यगण में प्रमुख रूप से सबसे प्रथम नाम जिनका योगदान इस आश्रम में काफ़ी दिनों से रहा है और अभी आप भजन के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से विचार को सुने हैं, डॉक्टर मनहरन साहू जी आप वरिष्ठ सदस्य में से हैं, और उसी प्रकार श्री आगे डोमार सिंह साहू जी, रूपदास जी जिसके विचार गुरु जी पूर्व में रहे हैं, और हमारे करुपंथी साहू समाज के संरक्षक भी हैं और अभी आप उनके विचार भी सुने हैं, पारसनाथ साहू जी भिलाई वाले को सदस्य बनाए हैं, जीवन साहू जी, रामशरण साहू जी और फिरंतराम जी, हीरालाल जी, शिव कुमार साहू जी, राम नरेश जी, सेवक राम जी, चम्मन लाल जी, रविशंकर जी, नारायण साहू जी, अशोक कुमार जी, हरिश्चंद जी, श्री बंधु, श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती निर्मला देवी बिहार वाली, श्री लता देवी, श्रीमती परमेश्वरी देवी और श्रीमती करुणा देवी, ये सदस्य के रूप में हमारे बीच सब अपना आश्रम में पूरा योगदान देंगे। और ज़्यादा कुछ आगे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और हमें अभी साहेब जी के विचार को भी सुनना है, 1:30 बज गए हैं, कुछ देर में भोजन की भी व्यवस्था होनी है, तो मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि आज साल का प्रथम दिन में आप अपने अच्छे काम के लिए अपने हाथ बढ़ाएं, सेवा में संलग्न रहें, परिवार को समृद्ध करें, परिवार में एकता को बना के रखें और परिवार के साथ साथ जो मूल जो विचार हैं सद्गुरु कबीर साहेब जी के विचार, जो हम पारख सिद्धांत से सब जुड़े हुए हैं, उस विचार को भी अपने परिवार में इतना घोल दें, इतना घुल मिल जाएं ताकि उनका भी मन, पवित्र मन
इस और आज ज़्यादा आकर्षित हों, ज़्यादा और अपना योगदान दें। समय हमारे बुजुर्ग लोग काफ़ी ध्यान देते हैं इस बात के लिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनमें ध्यान बहुत कम है। उन बच्चों को जब तक आप उस ढालेंगे नहीं, जैसे मैं अभी जब डॉक्टर साहब का फ़ोन आया तो मैं उठा नहीं पाया था, फिर मैं फ़ोन लगाया तो मेरा तबीयत कल रात में 3-4 जगह बड़े कार्यक्रम हो गए थे, विदाई का कार्यक्रम था, बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेरा कार्यक्रम था, मेरे को उसमें अध्यक्षता करना था, तो आते आते मेरे को काफ़ी लेट हो गया, और लेट होने के कारण, नींद पूरा नहीं होने के कारण तबीयत कुछ गड़बड़ भी हो गया। तो मैं भैया जी को बोला कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो भैया बोले मैं स्कूटर से निकलता हूं। फिर मैं मेरे दोनों लड़के से पूछा कि यार आप लोग चलोगे, तो बोले कि हम लोग तो तैयार हुए नहीं हैं, पहले से बताया रहते तो हो सकता है एक आध जने चले जाते, तो बोले मैं जा रहा हूँ। बोले आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप तो अभी कुछ खाए पिए भी नहीं हैं, तो मैं बोला खाने पीने का तो मेरा मन भी नहीं है, लेकिन जाने का मन पूरा है, क्योंकि सवेरे से तबीयत वाकई में ठीक नहीं था, अभी भी तबीयत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जाने का मन पूरा है, मैं जाऊंगा, तो आप लोग ठीक है रुकिए, और मैं फिर इधर हो के चला आया। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है, एक तो 1 तारीख और दूसरा साल का पहला दिन आप अगर कोई अच्छा करते हैं, सवेरे से उठ करके आपका विचार में थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा दिन निकल जाता है। व्यस्त रहें, जरूर हम सब परिवार में हैं, सब व्यस्त रहते हैं, खेती किसानी अभी तो बेमौसम बारिश होने के कारण पूरा गड़बड़ हो गया है पूरा। देखिए जो रवि फसल बोते हैं उसके लिए तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, जो खरीफ में डालते हैं, रवि फसल डालते हैं, जो दलहन तिलहन वो तो पूरा बर्बाद हो गया। कल मैं कृषि मंत्री से मिलने गया था, मैं पूरी हालचाल बताया, पूरा छत्तीसगढ़ का स्थिति से अवगत कराया। एक फसल जो धान का लेते हैं, बहुत किसानों का धान काटना बाकी, मेरा खुद का बाकी है, धान कटा नहीं है, पानी में डूबा हुआ है, और बहुत किसान ऐसे हैं जो कुछ एरिया ऐसा है, जैसे भिलाई और मोखला के पास में कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें आधा धान बचा है काटने को, पहले बारिश हुआ था उसमें फंस गए, अब दूसरी बारिश में पूरा फंस गए। तो मैं निवेदन करने गया था कृषि मंत्री से कि अब फसल तो रवि फसल हमारा ख़राब हो गया, दलहन तिलहन, और डैम में बहुत पानी भर गया है, 93% पानी भर गया है गंगरेल बांध में, तो मैं निवेदन करने गया था कि आप इस बार रवि फसल दे दीजिए, क्योंकि दलहन ख़त्म हो गया है, और आप अगर कोई हम प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसका लाभ ठीक से मिलता नहीं है, उनका सर्वे का सिस्टम बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा पेचीदा बना दिए हैं कि वो किसानों को लाभ उनका मिलता नहीं है, तो इसलिए आप रवि फसल देने की कृपा करें, तो बोले वो आप सीएम से बात करिए, क्योंकि ये निर्णय ले चुके हैं कि इस बार रवि फसल नहीं देंगे। तो मैं वापस आ गया, फिर अधिकारी लोग से भी मिला, प्रमुख अभियंता से जो गंगरेल बांध को देखते हैं उस अभियंता से मिला, उनका भी वही बातें आई, तो मैं थोड़ा सा विषय से बाहर हो रहा हूँ, लेकिन व्यस्त सब रहते हैं, कोई खेती किसानी से, कोई परिवार से, कोई अपना मन पूरा सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में भी लगा के रखे हैं, तो ऐसा आपके मन साफ रहें, मन शुद्ध रखें, किसी के ऊपर कोई मतभेद ना करें, किसी के ऊपर ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्या करेंगे तो मन तो खुद का ख़राब होगा और दूसरे को मन को भी ख़राब करेंगे, तो क्योंकि परिवार में कोई ऊपर कोई नीचे, कोई अच्छा कोई निम्न होना ही है,
कोई अच्छा कपड़ा पहन लेता है उसी में बड़ा ईर्ष्या हो जाता है, भाई ऐसा पहन रहा है मेरे को ऐसा पहनने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मन को शुद्ध रखिएगा। आप मन शुद्ध रखेंगे, आपका विचार शुद्ध रहेगा, तो जीवन निश्चित रूप से, ये जो जीवन मिला है वो सार्थक हो जाएगा। इसी के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। साहे बंदगी साहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब कार्यक्रम की अंतिम बेला है, परम पूज्य और साहेब जी विराजमान हैं। करवद्ध प्रार्थना करते हैं कि अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। नया वर्ष 2022 आज प्रारंभ दिन है, जनवरी महीना के प्रथम तारीख है। इस अवसर पर आप सबको आश्रम की ओर से, हमारी ओर से, हमारी संस्था और समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आप सबके भविष्य उज्ज्वल हो, यही हमारा चिंतन है, यही हमारा विचार है। और पुराने जो गुजर गया उधर हम ध्यान न दें। जैसा भी समय निकल गया सो निकल गया, जो समय आज हमें मिला है उस समय पर ध्यान दें। हमें कैसा जिंदगी जीना चाहिए इस विषय पर ध्यान दें। आज का जो कार्यक्रम है, भक्तवर श्री रविशंकर तरुणा देवी की तरफ से आज का आयोजन है। उनके माता श्री वंदना देवी, जो बिशोहा राम जी थे, आश्रम का निर्माता, उनके अर्धांगनी थी, उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को दिसंबर 13 को छोड़ दिए। उनका श्रद्धांजलि सभा व्यवहार के रूप में 19 को मनाएं। और वे लोग सोचे कि नहीं, आश्रम में हमारा है और आश्रम में सत्संग भजन होता है, तो पहला तारीख को माता जी के स्मृति में, यादगिरी में कार्यक्रम हो, और आए हुए अतिथियों को लिए भी भोजन प्रसाद का व्यवस्था हो, साथ साथ सत्संग भजन भी हो। तो आज का कार्यक्रम वंदना देवी के स्मृति में रखा गया है। वास्तव में आज माँ बाप का अनंत उपकार है। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको
9 महीने गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, बंदा जब जब तू रोया। बड़ कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप ने तुझको बंदा बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोकर सूखे में तुझे सुलाया। कोई भी दुख देकर माँ बाप का दिल न दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर नहीं देव कहीं है दूजा, सब तीरथ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से छुट्टी इस जीवन में पाना है, जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। हमें तन मिला है, धन मिला है और जिंदगी को संभाल दिए जिस माता पिता ने, उस माँ बाप का अनंत उपकार है। वे न होते तो शिशुपन हमारा कैसा गुजरा होता, वे छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए होते तो हमारा बचपना कैसे गुजरता, वे पिता न होते तो हमारा भविष्य अंधकारमय होता। इस प्रकार से चिंतन करके माता पिता के रास्ता पर हर पुत्र पुत्र वधुओं को बेटी को दामाद को अपने माता पिता के अनंत उपकार को याद करके अपना भविष्य जीवन उज्जवल बनाना चाहिए। भक्तवर श्री विशौहा ने कहते थे अपने पुत्रों को और वहाँ पर अपने बेटा बहू को साथ में रख करके बीच बीच में सत्संग और भजन का आयोजन घर में किया करते थे। और भक्तवर विशौहा जी ने कहते थे, देखो बेटा, ये गुरु और संत मुझे न मिले होते और मेरे माता पिता ने रास्ता न दिखाए होते तो मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ धीवर परिवार है, वो खुल करके कहते थे। तो धीवर का मुख्य पेशा क्या है? डबरा खोजके में जा करके मछली मारना, वही उसका धंधा होता है, धंधा था। लेकिन मेरे पिता ने, मेरी माता ने ये गुरु और संत का रास्ता दिखाए और गुरु संत को रास्ता दिखा करके कहे कि ये गुरु और संत को कभी छोड़ना नहीं, और गुरु संत के रास्ता पर चल करके मैं धन से, जन से और धर्म से आगे बढ़ा हूँ। मेरे पास कितने जमीन थी? 10-12 जमीन, एकड़ जमीन थी, आज उसके पास 100 से अधिक जमीन हो गया। 2 प्राणी थे, माता पिता थे, कितने लंबा परिवार, शुद्ध अहिंसा धर्म में लेकर के वे पिता वे माता चले और आज भी उसका नाम अमर है। वे माता वंदना देवी आज हमारे बीच से कुछ ही दिन पहले निकल गई। उन्होंने किस प्रकार से करुणा भरी उनका जिंदगी थी अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, नाती नतनिन के लिए, सब के लिए। तो इस प्रकार से उसके राह पर चलने के लिए उनके बेटा बहू नाती नतनिन नाती है सभी लोग संकल्प लेकर के आगे चल रहे हैं। और आज का जो जिंदगी है, नए वर्ष है, इसमें भविष्य उज्जवल हो। धन ही सब कुछ नहीं है, ये शरीर के लिए रोटी चाहिए, धोती चाहिए, छाया चाहिए, लेकिन शरीर के लिए चाहिए। इस शरीर चल रहा है किसके जरिए से? आत्मा के जरिए से। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर 2 कौड़ी का नहीं होता है, कोई जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं। इसलिए आत्मा को भी ध्यान रखो, आत्मा ही सत्य है। और आत्मा के कल्याण नहीं कर पाया हमने तो 84 फिर भटकना होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने 4 आश्रम का विधान रखे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम हैं और 4 आश्रम के अनुसार से जो मनुष्य चलेगा, चाहे वो नर हो या नारी हो, इसी जीवन में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य, माता के गर्भ से जन्म होने के बाद
जब तक शादी नहीं होती है तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसके बाद जब शादी हो जाती है वही बेटा और बेटी है, पति और पत्नी के रूप में चले जाते हैं। बेटी को पति मिल जाता है, बेटा को बहू मिल जाती है, तो धन जन के विकास करते हुए गृहस्थ आश्रम में चलता है। उसके बाद जब तीसरा अवस्था आता है वानप्रस्थ, माता पिता बेटा और बहू को सारा कार्यभार सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, त्यागमय आश्रम। घर में ही रहेगा माता पिता दोनों, धन जन के विकास करते रहेगा और बच्चों को सद्मार्ग देते रहेगा, लेकिन साथ साथ अपना भजन में जीवन जीता है, ध्यान चिंतन में जीवन जीता है। देखो कर्मचारियों को चौथा अवस्था आते आते 60-65 के बाद उसका पेंशन शुरू हो जाता है। अब तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए रोटी धोती की व्यवस्था कम कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा से जिंदगी केवल भजन का होना चाहिए, केवल भजन का। इसलिए भजन कहाँ होगा, हम त्याग मार्ग में चलेंगे तभी। घर में रह करके बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और चौथा आश्रम है, जैसे यहाँ पर आपके क्षेत्र में कबीर आश्रम का निर्माण हुआ, यह आश्रम संन्यास आश्रम है। और संन्यास आश्रम क्यों होता है, वास्तव में आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान प्राप्त करके गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, साहित्यों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना चित्त को, अपना मन को केवल आत्मा में जोड़ करके इसी जीवन में निर्मोहता को प्राप्त होना। कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, सब में सबके साथ में रहो। जैसे कैसे रहो, गुरु कबीर कहते हैं कैसे रहना चाहिए, कमल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पै नाही। कमल पत्र पुष्प कीचड़ पानी से जन्म होता उसका, और कीचड़ पानी में रह करके हरा भरा होता है, लेकिन कीचड़ पानी है, एक बूंद उसमें लौटता नहीं है। जैसे डालो तैसे तपे हुए तवा के समान क्षण से ढल जाता है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में अभ्यास वानप्रस्थ में होता है। वानप्रस्थी आश्रम जब पूरा हो जाता है तब जैसे कहा जाता है, याज्ञवल्क ऋषि कहता है, हे मैत्री, हे कात्यायनी, मैं अब गुरु के शरण में जा रहा हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम देख लिया, वानप्रस्थ आश्रम तुम लोगों के साथ में रह करके त्याग मार्ग में भी चला, लेकिन मैं वास्तव में आत्मज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ, उसका अनुभव कैसा हो, जब आप सबके मोह, धन का लोभ और तुम लोगों का मोह छोड़ करके मैं गुरु के आश्रम में निरंतर भजन सत्संग में लग जाऊँ, तभी मेरा आत्मज्ञानी है, इस प्रकार से कहा जाएगा। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि अपने गुरुओं के आश्रम में जा कर के रहने लगे। उसी प्रकार से यहाँ भी भक्त सज्जन हैं जिनका वानप्रस्थ आश्रम पूरा हो जाता है, उनको संन्यास आश्रम के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित हो चुका है और अधिक से अधिक समय लेकर के आश्रम में आकर के रहना चाहिए। आश्रम मन लागो मेरो यार फकीरी में, घर में हर सुविधा होती है लेकिन आश्रम में वो सुविधा नहीं होती है, तो आश्रम में नमक और भात खा करके हम संतों के पास रह करके कैसा निर्मोहता को प्राप्त करें। धन का लोभ, प्राणी का मोह हमें घेरा रहता है। जैसे अभी बहुत भक्तों को गृह कार्य में बेटा योग्य है, बहू योग्य है, नाती भी योग्य है, लेकिन सोचता है इतना धान पानी में डूबा हुआ है, मेरे बिना कैसे होगा,
मेरे बिना कैसे होगा, होता है, चिंता होती है, लेकिन जब बेटों पर विश्वास रखा जाएगा, नाती पर विश्वास रखा जाएगा, बेटा मुझे जाना है, मैं संकल्प ले चुका हूँ आश्रम जाने का, आज सत्संग है तो कम से कम वान संन्यास आश्रम के रूप में हम समय हमेशा न रह सकें, तो एक दिन महीना में जाना है, मुझे जाना है और सत्संग भजन से लाभ लेना है, और एक दिन भी मैंने छोड़ पाऊँ आप सबकी मोह ममता को, धन के लोभ को। जैसे एक गौठिया जी है नगरी क्षेत्र में, उनका 78 साल की उम्र है, 3 साल पहले उनका फालिज हो गया, तो फालिज होने के बाद उनके घर में बुलाने पर मैं गया और मैंने पूछा, गौटिया जी ये जो कहते हैं लोगों द्वारा सुनने को मिलता है, किसी को फालिज होता है, लकवा होता है, टेंशन होता है, शुगर होता है, उसका कारण क्या है? तो चिंता है, टेंशन है। तो उन्होंने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है साहेब, कोई चिंता नहीं। इतने में उसका बड़ा बेटा बैठा था, 7 बेटा है उसका, तो 7वां में से बड़ा बैठे बैठा था, बाबूजी आप झूठ न बोलिए, चिंता नहीं है करके, मैं सत्य कहता हूँ, आपके रवि फसल के धान है 200 बोरा पानी में डूब गया और पूरा के पूरा वो लाल हो गया और बेचने लायक भी नहीं, न खरीदने लायक नहीं, न खाने लायक नहीं, और उसी के 3रा-4था दिन आपको फालिज हुआ है। पिता ने सिर झुका दिया, बेटा सत्य कह रहा। तो कहीं भी हमारा चूक है, व्याधि का भी कारण है, कोई बिना कारण के नहीं होता है, इसलिए निश्चिंत जीवन जीना है। तो एक बार अवसर मिला है, हम संकल्प लें, आपके क्षेत्र में ये क्षेत्रीय आश्रम है और क्षेत्रीय आश्रम में आरंग ब्लॉक है, या आरंग ब्लॉक में आपके आश्रम स्थित है, और इतना बढ़िया सुंदर व्यवस्था आप सब लोग आप सबों ने दिया है, और इसका व्यवस्था देने के बाद लाभ न ले सकें, अपना चिंता को न भगा सकें, दूर न कर सकें, तो हमारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। मैंने गया था नारायण जी के घर में पंपलेट छपने के बाद, तो नारायण जी से मिलना था और पंपलेट भी देना था और अगले इस मीटिंग के लिए उसको बताना था, तो वो नहीं थे घर में, उनके माँ कला देवी थी। उन्होंने कहा, साहेब जी जो महीना में सत्संग रखे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कम से कम हमारे बहू बेटा को और हम सबको महीना में कम से कम ज्ञान की चर्चा, व्यवहारिक में हम जीवन जी रहे हैं तो ज्ञान चर्चा सुनने को तो मिले, भले ना चल सके, वो पढ़ी लिखी नहीं के समान है, लेकिन उसका दिल कितना महान है अपना बेटा को, बहू को, नाती को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा जो चिंतन कर सकते हैं नारी जाति में भी, नारी समाज में भी, इसलिए पंपलेट में 4 माताओं का, नारियों का नाम दिया गया सदस्य के रूप में, वो 4 नहीं है, 40 है, एक एक के पीछे 10-10 जोड़ दें तो इस आश्रम में सेवाधारी के कम नहीं होगा। हम सोचते हैं कौन सेवा करेगा, कौन भोजन में, अमनिया में और पूरी बेलने के लिए कौन आएगा, ये 4 के पीछे 10-10 हो जाए 40 आ जाएगा और जगह भी नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से भक्तों को भी जोड़ा गया है, 20-22 भक्तों को जोड़ा गया है, आप 20 नहीं 200 आदमी आ जाएं और सब व्यवस्थित हो जाएगा, 2 नहीं 20 नहीं है, उसमें 1 0 और बढ़ा करके आप 200 आए। इस प्रकार से आप सब 1 तारीख को संकल्प हमारे वयोवृद्धों ने लिया है, उस नियम को आप सब पालन करें, निरंतर बढ़ें। किसी दिन जैसे आज तो भक्तवर श्री रविशंकर के तरफ से, तरुणा देवी की तरफ से भोजन का भी व्यवस्था है, पिछले बार में
श्री द्वारका भाई के तरफ से रहा, लेकिन कभी किसी के तरफ से नहीं रहेगा, तो कम से कम आश्रम में नमक भात मिलेगा। लेकिन खाने को मिलेगा, नमक भात भी मिलेगा, लेकिन आप सब कोई नहीं है तैयार, किसके तरफ से होगा ये न सोचना। नमक भात खाना है और गुरु से, संतों से और आप सबके उत्तम विचारों से हम अपने जीवन को बदलना है और आने वाले पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना है। इसलिए आप सब आज संकल्प यही लें, नए वर्ष में हमें क्या करना है, तो अपने बुराइयों को त्याग करें और साथ साथ 1 तारीख को आप तो आएं और परिवार सहित आएं। कोई यहाँ राजनीति नहीं है, कोई व्यक्तिगत कोई बैठक नहीं है, ये अध्यात्म व्यवहार और परमार्थ के रूप में चलेगा। व्यवहारिक भी चर्चा होगी और परमार्थिक भी चर्चा होगी। इसलिए आप सब अधिक से अधिक बहू बेटा को लेकर के, भाइयों को, पुत्रों को लेकर के आएं और जागे जगाएं। आश्रम है, आप सबका है, और हमारा जिंदगी तो अब बुढ़ापा की ओर पहुंच चुकी है। पता नहीं आजकल में सदा के लिए भी विदा हो जाए। 2021 चली गई, उसी प्रकार से हमारा जिंदगी भी चले जाए, कोई देरी नहीं है। लेकिन यह वृक्ष भक्तवर विशोभा ने कहा था, एक बरगद का वृक्ष मुझे लगाना है, तो वह बरगद का वृक्ष लगा दिए और 18 साल में जैसे कहा जाता है नाबालिग से बालिक हो जाता है, उसी प्रकार से आज आपके आश्रम बालिक के रूप में हो गया है। आज आश्रम में नमक भात बराबर खाने को मिलता रहेगा और सत्संग के लिए, निवास के लिए और जितना भी अधिक है, यहाँ कुछ दिन रहने के लिए चाहें तो भी सबके लिए जगह है। आप सब आएँ और आश्रम से लाभ लेते रहें, यही मेरा हृदय से शुभकामना है और आप सबको बहुत बहुत बधाई है। साथ साथ ये हमारे कार्यक्रम के लिए पंपलेट छप चुका है, जो जितना चाहे पंपलेट, जितना प्रचार प्रसार कर सकें, लोगों को जोड़ सकें, संस्था के भी सदस्य बने, समिति के भी सदस्य बने, सद्गुरु अभिलाष देव पारक सत्संग समिति, ये आप सब आज जो सत्संग हो रहा है ये अभिलाष देव के नाम से जोड़ा गया है, पारक सत्संग समिति, इसमें भी आप सब अधिक से अधिक जुड़ें और संस्था के भी सदस्य जुड़ बने, नारी हो नर हो सब संस्था के सदस्य बन सकते हैं, आजीवन सदस्य 1,000 दे करके सदस्य बन सकते हैं और संरक्षक सदस्य 5,000 से अधिक दे करके बन सकते हैं। साधारण सदस्य आप हर वर्ष पटाना होता है, तो अभी तक सदस्य जो बने हैं साधारण सदस्य, पहले बार तो बन गए शुरू में, आज से जान लीजिए 18 साल हो गया, उसके बाद दोबारा कोई सदस्य शुल्क पटाया भी नहीं है। यदि वे पुनः जीवित करना चाहे साधारण सदस्य, तो जीवित कर सकते हैं, फिर से नया बन सकते हैं, आजीवन और संरक्षक भी बन सकते हैं और समिति की भी सदस्य बन सकते हैं, और इस आश्रम में आप सबका भविष्य उज्जवल देखते हुए, आने वाले पीढ़ी को उज्ज्वल देखते हुए आप लोग निरंतर आगे बढ़ें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आप सब जितने भी लोग आए हैं सबके लिए भोजन तैयार है, इसी जगह में भोजन करके ही आप सब प्रस्थान करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पंपलेट जितना अधिक से अधिक आप लोग प्रचार के जो जाएं सब ले जाना, एक एक बाँट दे सबको, बाँट दे यहीं से शुरू कर। अब इसको भी बाँटना चाहे तो, हाँ कल Thank you.
गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता तेहि धूप दीप ले पूजी बाल चंदन पुष्प चरणो हार गल महदीजिए घर जोर करिया स्तुति गुरु तरण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल आप पारख रूप साहेब जानते सब माई की मैं अधम करमी जीव सद गुरु नाही हो कुछ लाए गुरु करत हो मैं बिनती जो सुनिए दीनयनाथ की अधम उदाहरण भव भयहारण जीवन करत सनाथ के जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को कहि सके दया क्षमा दी हो जिन में आप को सो लै सके मुँह में सदगुण नाही साहेब हूँ मैं कैसे आपको बार बार मैं करत हूँ बिनती शरण लीजे दास को शरण शरण हो शरण हो कहाँ तक बने कछु नाय जानत हो सब के लिए सर्वोपरि गुरु करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाई बहु राग देश गाह उत प्रवाह में बहते हुए निज नाम जहाज बैठाए के भवधार पार लगाई मैं पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सका बता कर सार असार विशोध बोध कराई कमा दिखल दल संग है सत मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान असि प्रदान करते ही मार छार मिलाइए सही नहीं अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति कर निज सेवक पत्र पुष्प स्वीकारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी
तुमरे दरस से संकट कटत है, तुमरे दरस से संकट कटत है, भर मनिटावत भार गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहार, संत स्वरूपी आप कृपा निधि खोलत भरम की वारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहारी, जिन दरस सुख दया करी आवागमन निवारी गुरु जी तुमरे दर्शन की बलिहार, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि पूर्ण परख विहारी गुरु जीत दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जीत में दर्शन की बलिहारी। आगामी कार्यक्रम के लिए कुछ लोगों ने अपना संकल्प ले चुका है और कोई भी आगामी कार्यक्रम के लिए जो सहयोग के लिए देना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा भी सकते हैं। पंपलेट ले जाएंगे, पंपलेट जितना प्रचार करेंगे, प्रचार के लिए पंपलेट रखा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, आरती हो गुरु आरती हो आरती।
आरति करी बनिवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरती जो जहाँ जाग साहे आरती हो आरती करी बनिवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सतगुरु साहेब की जा सब संत समाज साहेब आरती हो आरती करी बनिवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो जाल साहेब आरती हो आरती करीब वाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर तन की कृपा से भयाहु परख परकास साहेब आरती हो आरती करी बनिवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तप गुरु नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्तं गुरुपरं। सभी लोग अपने जगह में गुरु बैठ जाएंगे। बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरि हाथ वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बोलिए सतगुरुदेव की जय संत समाज की जय ममता वंदना देवी की जय भक्त समाज की जय। इधर ही उठा दें भोजन पाने के लिए बैठेंगे जल्दी से जल्दी व्यवस्था साथी लोग कर लें। अगला 1 तारीख को सभी लोग अपना दिमाग में नोट कर लें, कोई भूलिएगा ना। हर महीना के 1 तारीख को कबीर आश्रम सकरी आना है। संदेश देना ना पड़े आप सब याद रखिएगा। 1 तारीख, 1 तारीख भूलना नहीं।